हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपके लिए फिर से एक और नाइटजैन का डोरमेट बताने वाली हूँ। इसे आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, डोरमेट की जगह या थाल पोस की जगह या पूजा आसन की तरह किसी भी तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसे बनाने के लिए मैंने 3 कलर ले लिए हैं। आपको जो भी कलर पसंद है आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। इसमें इसे आप पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 9 नंबर सिलाई ली हुई है, तो इसी से मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही आसानी से प्यारा सा डोरमेट बताऊंगी, जो बनाने में बिल्कुल इजी है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये प्यारा सा हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम येल्लो से फंदे डालेंगे। इसे हम 32 फंदों से बनाएंगे। 32 फंदे का ये काफ़ी बड़ा बन जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पे मुझे येलो से और वाइट से फंदे डाल लेने हैं। तो 16 फंदे मैं येलो से डालूंगी और 16 फंदे ही मैं यहाँ पे अपना वाइट से डालूंगी। तो यानी कि टोटल 32 फंदे यहाँ पे हम ले लेंगे। जितना बड़ा आपको चाहिए आप अपने हिसाब से इसी तरह से फंदे डाल के इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से फंदे ले लेती हूँ। तो चलिए हम 32 फंदे डाल लेते हैं, इसके आगे आपको फिर दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 32 फंदे डाल लिए हैं और 16 फंदे मैंने वाइट से डाले हुए हैं और 16 फंदे ही मैंने अपने येलो से डाले हुए हैं। तो देखिए हमने फंदे डाल चुके हैं। 32 फंदों का भी ये काफी बड़ा बनेगा। आपको जितना बड़ा चाहिए आप अपने हिसाब से इसी तरह से जोड़े से फंदे डाल के इसको बना सकते हैं। तो देखिए मैं आपको शुरुआत से ही बताऊंगी किस तरह से हमने इसको बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे हम अपना तीसरा कलर भी फंदे डालने के बाद इसमें ग्रीन कलर भी ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से और 2 फंदे हमने ग्रीन से बनाए और 2 फंदे ही हम अपना वाइट से बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे हमारा 16 फंदों में डिजाइन बनेगा। ये देखिए, इस तरह से 2, 4, 6, 8, 10, 10 और ये देखिए 11 और ये 12 और ये 13 और ये 14। तो 14 फंदे मैं अपना डिजाइन बना लिया है। 2 फंदे वाइट के अभी भी हैं, इनको मैं यहाँ पे येलो कर दूंगी इस तरह से। देखिए ये फंदे मैं अपना येलो से कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से 2 व्हाइट वाले फंदे मैंने येलो से कर दिए हैं और आगे के फंदे मैं सभी को उल्टा उल्टा येलो से बना लूंगी इस तरह से। और लास्ट के हम 2 फंदा अपना छोड़ेंगे। तो यहाँ पे येलो कलर की हमारी कली बनेगी और यहाँ पे ये हमारा डिजाइन बनेगा। लास्ट के मैं 2 फंदे अपना छोड़ देती हूँ। ये देखिए 2 फंदे मैंने छोड़ दिए हैं बिगर बुने और यहीं से हम वापस हो जाते हैं। सीधी सिलाई को हमने जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम इसको बनाएंगे। इसमें हमने कुछ नहीं करना है। जो फंदे जैसे हैं, येलो वाले फंदे येलो से, ग्रीन वाले ग्रीन से, वाइट वाले वाइट से, धागे को क्रॉस करते हुए हम
इनको इसी तरह से बनाएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं ये प्यारे से हमारे थालपोस आपको कैसे लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने येलो को पीछे कर दिया है, अब आगे के फंदे ग्रीन वाले आ रहे हैं तो ग्रीन को मैं इस तरह से आगे ले आती हूँ और ये ग्रीन वाले ग्रीन से पीछे धागा किया और अब हम वाइट को ले आते हैं आगे, वाइट के फंदे आ रहे हैं तो वाइट को वाइट से इस तरह से धागे को पीछे कर दिया, वाइट को आगे ले आए, वाइट को पीछे किया, ग्रीन को आगे ले आए, इस तरह से हम इसको यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे, ये देखिए। और लास्ट का फंदा हमने, ये देखिए लास्ट के फंदे को हम सीधा बनाएंगे ताकि यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग आ चुके इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे हमने डिजाइन अपना बना लिया है। अब ये देखिए यहाँ पे हम अपना 12 फंदे बनाएंगे। तो देखिए मुझे उल्टी सिलाई पे ही अपने फंदों को चेंज करना है, जो हमारे ग्रीन है वो हम वाइट कर लेंगे उल्टी सिलाई पे। इस तरह से हमने फंदों को चेंज करना है और वाइट वाले ग्रीन से हर सिलाई पे उल्टी सिलाई पे इसी तरह से बनाएंगे। और यहाँ पे मैं 12 बना लेती हूँ, दो फंदे हम येलो से कर देंगे। ये देखिए ये वाले फंदे मैं धागे को इस तरह से पकड़ूंगी और ये फंदे मैं येलो से कर लेती हूँ, लास्ट के मैं दो फंदा छोड़ दूंगी। ये हमारे सभी फंदे यहाँ पे जो हैं डिजाइन उसी तरह से फंदे चेंज होते जाएंगे और ये येलो से हर बार इसी तरह से लास्ट तक येलो से हम सभी फंदों को बना लेंगे। लास्ट के दो दो फंदे हम छोड़ेंगे। सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बनाएंगे। ये देखिए लास्ट के फिर से दो फंदे छोड़े हैं और सीधी सिलाई को यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सीधी सिलाई में जो फंदे जैसे थे उसी कलर से हम बना लिए। फिर से मैं आपको एक बार और दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये देखिए ये वाइट वाले फंदे हम ग्रीन कर लेते हैं और ग्रीन वाले फंदे हम वाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 4 बना लिए हैं, 5, 6 और ये देखिए 6, 7, 8 और ये 9 और ये 10 फंदे रह गए हैं। और यहाँ पे ये 2 ग्रीन वाले अब ये येलो से बना लेंगे और लास्ट के हम दो फंदे फिर से छोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम येलो से आगे की तरफ बढ़ाते हुए जा रहे हैं, ये फंदे हमारे डिजाइन वाले कम होते हुए जा रहे हैं। ये देखिए तो यहाँ तक मैं बना लेती हूँ और लास्ट के मैं दो दो फंदे हर बार छोड़ूंगी। तो इसको हम यहाँ तक कर लेते हैं और सीधी सिलाई को सीधा ही जो फंदे जैसे हैं उसी कलर से हम बनाएंगे। इसमें हमने कुछ नहीं करना, बिल्कुल ईजी है। तो चलिए मैं यहाँ तक येलो के फंदे अपने बना लेती हूँ, इसके आगे आपको फिर दिखाती हूँ। फंदों को इसी तरह से चेंज करते हुए जाना है, डिजाइन अपना बनाते हुए जाना है और येलो के दो दो फंदे हर बार ये फंदे येलो से करते जाने हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको इसी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दो दो करके 16 फंदे अपने छोड़ दिए हैं और यहाँ पे डिजाइन वाले जो 16 फंदे थे वो मैंने सभी अपना येलो से कर लिए हैं। तो यहाँ पे लास्ट में हम आ गए हैं। अब ये देखिए ऊपर की यहाँ पे नीचे की तरफ हमने आगे की तरफ पट्टी बढ़ाई थी, अब ऊपर की तरफ हम उसको कम करेंगे और अपना डिजाइन को बढ़ाएंगे। तो देखिए किस तरह से, तो यहाँ पे मैं दो फंदा अपना वाइट से ग्रीन से बना लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये मैंने ग्रीन बना लिए
और आगे के फंदे मैं अपना येलो से बनाऊंगी, और लास्ट में जो दो दो फंदे मैंने करके छोड़े हैं उनको भी मैं उसी तरह से बना लूंगी, जिस तरह से छोड़े उसी तरह से अब उनको हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 16 फंदे ये छूट चुके हैं, तो इनको हम दो फंदे ले लेते हैं, और जहाँ पे भी आपको गैप दिखे, गैप के लिए आप फंदा इस तरह से यहाँ पे उठा लें और दूसरे फंदे के साथ उसको बना लें। ये देखिए इस तरह से, और यहीं से हम दो फंदे अपना ले लिए हैं जो छोड़े हुए हैं, और यहीं से हम वापस हो जाएंगे। और सीधी सिलाई में तो हम जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम इसको बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे हम ये ग्रीन वाले फंदे ग्रीन से बना लेते हैं, और लास्ट का फंदा हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए फिनिशिंग के साथ हमारा बनता हुआ आ रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे ये ग्रीन वाले फंदे मैं वाइट से बना लूंगी, ये देखिए इस तरह से ये वाइट कर लिए, और आगे के दो येलो फंदे हम ग्रीन बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा येलो वाले कम हो रहे हैं, जिस तरह से नीचे की तरफ हमने बढ़ाए थे अब यहाँ पे हम कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए डिजाइन के 4 फंदे हो चुके हैं, और आगे के फंदे हम येलो से ही बना लेंगे। जो फंदे हमने छोड़े हैं उनको दो फंदा हम उसी तरह से ले लेंगे, जिस तरह से छोड़े हुए हैं उसी तरह से हम बनाएंगे। तो बहुत ही इजी डिजाइन है, और बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है। ये देखिए दो फंदा हम यहाँ पे अपना छोड़ा हुआ बना लेते हैं, और जहाँ पे भी गैप दिखेगा गैप के लिए आप इस तरह से फंदा उठा लें और दूसरे फंदे के साथ उसको बना लें। बत्तीस फंदों का भी ये काफ़ी बड़े बनेगा। ये देखिए इस तरह से इसका लुक आ रहा है। सीधी सिलाई को हम जो फंदे जैसे हैं उसी कलर से बनाएंगे, ये 4 फंदे डिजाइन वाले, ये ग्रीन से और ये वाइट से। तो चलिए सीधी सिलाई को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 फंदे हमारे डिजाइन के हो चुके हैं। ये देखिए किस तरह से पत्ती यहाँ पर बड़ी थी और उसी तरह से यहाँ पर कम होती जा रही है। आउटलाइन हमारी ये ग्रीन से आ रही है बनती हुई। आप जिस कलर से भी बनाना चाहते हैं तो आप उस कलर से बना सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए वाइट से भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए ये वाले फंदे वाइट वाले मैं अब ग्रीन से बनाऊंगी, और ग्रीन वाले फंदे मैं वाइट से बना लूंगी। ये देखिए 4 फंदे बना चुके हैं, 2 येलो के फंदे हम आगे ग्रीन से बना लेंगे, कम कर रहे हैं हम येल्लो वाले, और लास्ट के फंदे हम दो अपना बना लेंगे। तो इसी तरह से डिजाइन के हम 16 फंदे जिस तरह से डाले थे उसी तरह से यहाँ पे 16 फंदे हर बार हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे हमें ग्रीन से ही बनाना है, ये वाले फंदे यही ध्यान रखना है, ये हम वाइट से कर लेंगे। इनको फंदों को चेंज इसी तरह से करना है, जो हमारे ग्रीन है वो वाइट से और वाइट वाले फंदे ग्रीन से, और यहाँ पे येल्लो के हम हर बार दो फंदा जो बढ़ाएंगे कम करेंगे वो हम येलो वाले कम करेंगे, तो वो हमने ग्रीन से ही करने हैं इस तरह से, जो हमारा आउटलाइन ग्रीन से ही आए। और लास्ट का फंदा मैं दो अपना छोड़े हुए बना लूँगी। तो चलिए यहाँ पे मैं इसी तरह से 16 फंदे कर लेती हूँ, और इसके आगे आपको फिर से दिखाऊँगी। ये देखिए सोलह फंदे अपना, और यहीं से टर्न करेंगे। सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बनाते हुए जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे यहाँ तक बना लेती हूँ 16 फंदे, और इसके आगे आपको फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये देखिए इस तरह से यहाँ पे फंदे आ चुके हैं। अभी लास्ट के दो फंदे बाकी हैं बचे, तो मैं आपको लास्ट का दिखा रही हूँ। ये देखिए जिस तरह से हमने फंदे डिजाइन के येलो से बनाए थे, कम किए थे, बढ़ाए थे सॉरी, उसी तरह से हमने अब कम कर दिए हैं। ये देखिए 4 हो चुके हैं,
पाँच, छः और छः, सात, आठ और ये नौ, दस, ये ग्यारह और ये बारह और ये तेरह और ये चौदह और यहाँ पे पंद्रह और ये देखिए सोलह। तो यहाँ पे हमारे सोलह फंदे पूरे डिजाइन के हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे ये देखिए येलो कलर के फंदे हम सभी को सोलह फंदों को बना लेंगे। ये देखिए दो तीन चार येलो के गिन के बता रहे हैं आपको, पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये देखिए लास्ट के पंद्रह और ये सोलह। तो यहाँ पे जो फंदे छोड़े थे सभी को मैंने बना लिया है और यहाँ पे ये पत्ती हमारी बनके कंप्लीट है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल इजी है बनाने में और बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए अब जिस तरह से सेम तरीका हमारा रहेगा, जिस तरह से हमने नीचे शुरुआत की थी उसी तरह से अब हम फिर से फंदे अपना पत्ती के ये वाले डिजाइन वाले फंदे कम करेंगे, येल्लो से हम बढ़ाएंगे आगे की तरफ, फिर उसी तरह से हम येल्लो को कम करेंगे जिस तरह से यहाँ पे बढ़ाए थे उसी तरह से। सीधी सिलाई में कुछ नहीं करना है, सीधी सिलाई को यहाँ पे बना लेते हैं। तो सीधी सिलाई को मैंने बना लिया है, अब फिर से हम यही करेंगे, ये फंदे हम चेंज करेंगे और यहाँ पे ये दो फंदे ग्रीन के हर बार इसी तरह से यहाँ पे येल्लो से कम होते हुए जाएंगे, येल्लो को हम बढ़ाएंगे। बनाने का तरीका सेम रहेगा, जिस तरह से मैंने नीचे शुरुआत की है उसी तरह से हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे पूरा डोरमेट इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रेड में अपना चार पत्तियाँ बना चुकी हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने रेड में वाइट कलर की आउटलाइन लगाई हुई है और यहाँ पे ये देखिए मैंने येल्लो में ग्रीन की लगा दी है। इस तरह से हमने इसको बनाया है। यहाँ पे ये चार पत्तियाँ भी मैंने इसी तरह से बनाई हैं। 32 फंदों का ही ये हमारा बन रहा है। ये देखिए इसमें चार कली बन चुकी हैं। इस तरह से ही हमने आपको शुरुआत से बताया, सेम तरीका बनाने का रहेगा। ये देखिए उसी तरह से कम किए हैं और उसी तरह से ऊपर की तरफ बढ़ाए हैं। ये देखिए शुरुआत भी हमने उसी तरह से ये की है। तो ये देखिए मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, आपने पूरा डोरमेट इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये प्यारा सा हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।